नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की इस खबर पे डालते हैं। पैसे के लेन देन में किसान की हुई थी हत्या। खेत के बटाईदार, उसके लड़के व दामाद ने मिलकर वृद्ध की थी निर्मम हत्या। पुलिस के 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार और आला कत्ल किया गया बरामद। वहीं आपको बता दें, 12 दिसंबर को वृद्ध की गांव किनारे खेत में मिली थी लाश। एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हत्या का खुलासा किया। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने आज 3 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 लोगों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव के बाहर जंगल में एक वृद्ध की निर्मम हत्या का लाश फेंक दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे में लग गई थी। वहीं जिसके बाद आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के मुताबिक वृद्ध की हत्या पैसे के लेन देन के कारण हुई थी और हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसके खेत का बटाईदार प्यारे लाल, उसका बेटा धर्मेंद्र व उसका सगा दामाद कमलेश निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए आला कत्ल भी बरामद किए हैं। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 12 तारीख को एक वृद्ध की लाश गांव किनारे जंगल में मिली थी, जिसका आज खुलासा करते हुए मृतक के बटाईदार, उसके बेटे व दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक व बटाईदार के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण वृद्ध की रात में गणेश प्रसाद साहू की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी गई थी। आज थाना गांव की पुलिस ने इसका सफलतापूर्वक अनावरण किया है और इसमें शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और आला कत्ल की बरामदगी की है और इनके इस सराहनीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए 10,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की जाती है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। घटना की वजह क्या है? घटना की वजह एक तो बटाईदारी का पे खेती करते थे और कुछ आपसी रंजिश का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी विवेचना में पुष्ट हो पाएगी। और अभी तक जो प्रकाश में आया है कि ये कुछ लेन देन का ही मामला है।